वचन में साफ साफ ये बात लिखी है कि कोई अपने भाई को ना ठगे और ना उसके पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन बातों का पलटा लेगा। हे भाई और बहनों, वचन को समझिए, रेवलेशन है परमेश्वर का। परमेश्वर अपना प्रकाश जो है इस वचन में डाल रहा है और परमेश्वर कह रहा है कि मैं पलटा लूंगा। हे भाई और बहनों, एक साल हो गया, दो साल हो गया, दस साल हो गए, बीस साल के बाद में उससे पलटा लिया गया। और किसने लिया? परमेश्वर ने लिया। जिस बच्चों के लिए उसने अपने भाई को ठग लिया था, उसके बच्चों को अनाथ कर दिया था, आज उसकी बारी आ गई, उसके बच्चों ने अपने ही पिता को अनाथ कर दिया। अब वो रोता है, पीटता है कि मेरे बच्चों ने मुझे बाहर निकाल दिया। हे भाई और बहनों, 20 साल हो गए। हे भाई और बहनों, ये जो 20 साल थे, परमेश्वर ने मौका देता है, परमेश्वर मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। परमेश्वर मौका देता है कि मेरे पास आके माफ़ी मांग ले। परमेश्वर मौका देता है कि अपने जीवन को सुधारे। परमेश्वर मौका देता है कि अपने भाई से सुलह कर ले। परमेश्वर मौका देता है कि जो अपने भाई की ज़मीन को हड़प ले के कब्जा करके मैंने अपने बच्चों को दे दिया था, उसे वापस करने का। लेकिन भाई और बहनों, जब सब कुछ ठीक चलते रहता है तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान को याद नहीं रहती है, लेकिन जब आता है टाइम परमेश्वर का, फिर उसके बाद कुछ नहीं, सिर्फ रोना ही होता है। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। उसके जीवन में भी प्रभु ने उन बातों के विषय में, परमेश्वर ने उससे पलटा लिया। और हमने पहले भी तुमसे कह दिया था और चेता भी दिया था। परमेश्वर के वचन में चेतावनी है भाइयों को कि अपने भाइयों को ठग के अपने बच्चों को अगर देंगे तो बच्चे जब बड़े होंगे वही हमें लात मार के बाहर निकाल देंगे, उसके बाद मरे तक हमारे जीवन में सिर्फ रोना और पीटना ही होगा। काफ़ी लोगों को आपने देखा होगा कि पिता लोग रोते हैं कि मेरा बच्चा मेरा ध्यान नहीं रखता है, मेरा बच्चा मेरा ख्याल नहीं रखता है, मेरा बच्चा मुझे मारता है, मेरा बच्चा मुझे वो करता है। हे भाई और बहनों, एक बार याद कर रखिए, आपने अगर अपने भाई को ठग के उसके बच्चों को अनाथ करके अपने बच्चों के लिए अगर सही भविष्य चुना है, तो भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं इन सब के बीच में पलटा लूँगा और ये तुम्हें चेतावनी दे दूँगा। हे भाई और बहनों, हम जो बोते हैं उसी फसल को हम काटते हैं। हे भाई और बहनों, अगर अच्छा बोया होता तो भाई और बहनों अच्छा ही काटते। अगर हम दूसरे बच्चों के साथ, अपने भाई के साथ, भाई के बच्चों के साथ अगर हम अच्छा करेंगे तो कल हमारे जीवन में भी अच्छा ही होगा, हमारे बच्चों के जीवन में भी अच्छा ही होगा। अगर हम शुरू से ही अपने भाई को लूटने की कोशिश करेंगे, अपने भाई को दाव चलाने की कोशिश करेंगे, तो बाद में हमारे बच्चे भी अपने ही भाई को लूट लेंगे, अपने ही भाई के ऊपर दाव चला लेंगे। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। अगर आप उद्धार पा चुके हो, बपतिस्मा ले चुके हो, परमेश्वर की सेवा करते हो और वचन भी सुनाते हो, दान भी करते हो, तो भाई और बहनों, अगर आपने अपने भाई को ठग लिया है, अगर आपने अपने भाई को ठग के अपने बच्चों के लिए कुछ रख लिया है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता है हमारे जीवन में जो है श्राप आए। हे भाई और बहनों, परमेश्वर हमारे जीवन में जो है आशीष देना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर पलटा नहीं लेना चाहता है, हमारे जीवन में परमेश्वर आशीष देना चाहता है, हमारे बच्चों के जीवन में आशीष देना चाहता है। बच्चों के जीवन में कैसा आएगा? वचन को याद करना है। परमेश्वर, आपने कहा था अपने भाई को ना ठगना, अपने भाई के ऊपर दाव ना चलाना, अपने भाई की किसी चीज़ का लालच ना करना। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, अपने खून से धो के मुझे पवित्र कर दीजिए। मैंने अपने बच्चों के लिए सोचा था कि शायद मेरे बच्चे इसके ऊपर राज करेंगे, लेकिन मेरे बच्चे राज कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज मुझे मार के बाहर निकाल दिया है। प्रभु जी, मैंने अपने बच्चों के लिए किया, अपने भाई को धोखा दे दिया। प्रभु जी, आज वो सब मेरे सामने आ गया है। प्रभु जी, मुझे माफ़ कर
कर दे, मुझे अपने खून से धो के पवित्र करे। जब ये प्रार्थना आप करेंगे तो प्रभु आपको क्षमा करेंगे, अपने खून से धो के पवित्र करेंगे और सारी खोई हुई चीज़ों को वापस करेंगे। हे भाई और बहनों, वचन कहता है कि अपने भाई को ना ठगना, अपने भाई के ऊपर दाव ना चलाना, क्योंकि इन सब बातों का पलटा जो है परमेश्वर लेगा। और ये हमें चेतावनी परमेश्वर के वचन में से मिलती है। प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।